हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज जीएसटी में हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों एक सर्कुलर आया, सर्कुलर 96 28 मार्च 2019 को। दोस्तों हम बहुत बहुत सारे ओकेजन्स पे अब पिछले 20 महीने में देख चुके हैं, 20 महीने और लगभग जो भी 13 दिन हुए हैं, इसमें हम ये देख चुके हैं कि अगर मान लीजिए किसी प्रोपराइटर सोल प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और जो उसकी लायबिलिटीज है वो कैसे ट्रांसफर होगी। तो सबसे पहले तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 की बात इस सर्कुलर ने रेफरेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, चाहे वो डीमर्जर मर्जर अमेलगमेशन है, उसके साथ साथ एनी अदर व्हाटसोएवर मैनर में, उस व्हाटसोएवर मैनर को इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया है कि डेथ ऑफ सोल प्रोपराइटर ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। तो अब ये बात तो पहले एस्टैब्लिश हो गई कि डेथ ऑफ द सोल प्रोपराइटर इज टू बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। सबसे पहले ट्रांसफरर, जिस रजिस्टर्ड पर्सन की डेथ हो गई है, ट्रांसफरी वो है जो उसके बिजनेस को कंटिन्यू करेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द सोल प्रोपराइटर। वो ट्रांसफरी हो सकता है और सक्सेसर हो सकता है। सक्सेसर ऑफकोर्स जो जिसके पास भी सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा वो सक्सेसर होगा। सबसे पहला काम उस ट्रांसफरी को एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना है REG 1 अप्लाई करके, और उसको अप्लाई करते हुए उसने रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो डेथ ऑफ प्रोपराइटर भरना है। अगला काम जो ट्रांसफरर है उसने ITC 02 भरना है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टैंडिंग इन हिज GSTIN। ITC 02 भरेगा ट्रांसफरर, जैसे ही वो ITC 02 भरेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन ट्रांसफरी ऑब्टेन कर चुका है, उसका GSTIN आप ITC 02 में देंगे ट्रांसफरी को उस ITC 02 को एक्सेप्ट करना है। जैसे वो एक्सेप्ट करेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो सारा अनयूटिलाइज्ड क्रेडिट नजर आना शुरू हो जाएगा। अगला स्टेप जो आपने करना है वो करना है अब ट्रांसफरर के GSTIN को कैंसल करना है। आप REG 16 भरें, लीगल IR भरेगा REG 16 सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 के अनुसार REG 16 भरें, वहां पर भी रीजन फॉर कैंसलेशन जो देना है आपने डेथ ऑफ दी प्रोपराइटर देना है। अब जैसे कि मैंने आपसे शुरू में बताया, सर्कुलर में बहुत क्लियरली लिखा है कि ITC के साथ लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होंगी, लेकिन कोई स्पेसिफिक मेथड या स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिस्क्राइब नहीं है। तो दो इन्फरेंसेस, दो एग्जांपल्स ड्रॉ किए हैं इस सर्कुलर ने, पहला सेक्शन 85 का और दूसरा सेक्शन 93 का। उन्होंने कहा सेक्शन 85 के अनुसार अगर डेथ हो जाती है प्रोपराइटर की तो ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल है टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी के। अगला एग्जांपल उन्होंने दिया भी सेक्शन 93 में भी यही लिखा है कि अगर मान लीजिए सोल प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है और उसका बिजनेस कोई और कंटिन्यू करता है तो जो ट्रांसफरी है, जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, वो पर्सनली लायबल है जी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी के। आई होप कि ये पूरा सर्कुलर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अब आप बहुत क्लियर होंगे कि अगर किसी भी सोल प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है तो रिजल्ट क्या होगा, ITC कैसे लेना है, रजिस्ट्रेशन कैसे सरेंडर करना है और नया कैसे लेना है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।